स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो बस मैंने वेलकम भी कर दिया आप लोगों का, तो स्वागत है नए ब्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉगिंग। सुबह के 10 बजे से 10:30 बजे से तो मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ खास काम से, तो आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। तो चलते हैं। इसमें आई थी गोला मार्केट, तो मैंने यहाँ से वो ले लिया, गोभी को लेना था, गिफ्ट को लेना था। कहीं गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ क्या, और रूम पे पहुँच चुकी, तो मैं गिफ्ट लेने के लिए गई थी मार्केट। तो थोड़ा देर में राज खुल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट के लिए। मैं अंदर देखता है, आज मेरा रूम देखने वाला भी आ रहा था कोई, शायद 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 अंकल बना। आंटी किधर है? आंटी पास नहीं है। चली गई उधर। हाँ तो तुम बोला आने के लिए। मेरे को बोला है ना। हाँ तो क्या होता? हाँ मैं भी आ रही हूँ ना, चल मैं जा रही हूँ उधर, ठीक है। मैं चप्पल दिखाने के जाती हूँ। मैं बुआ के रूम पे जा रही हूँ, बुआ लोगों के घर में जा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आप पहले भी मिल ही चुके होंगे मेरी बुआ से। मेरे चप्पल कहाँ गए यार भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ इधर पे है, ठीक है। ओपन कर दिया है सोनी, और चलो फिर बुआ लोगों के घर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि सरप्राइज वहीं जाके ओपन ही होगा। चप्पल फिर से दादी प्रणाम प्रणाम दादी तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये मेरी बुआ, कितनी सारी आवाज लोगे आप सुबह से पहले बताओ। बारिश में बिजी चल रही है भी। हाँ गुड़िया मैं बारिश में भी बोलो। दादी जलम पते अंकल बोले उसे। तो मेरे को भेज दिया आंटी ने फिर से उधर, क्योंकि वो शायद दादी की जन्म पत्री दिखा रहे होंगे कि दादी का बर्थडे कब है, तो दादी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। ओ माय गॉड, तो रोल अप मेरी जन्म पत्री मिल चुकी है दादी की। मैं दिखाती हूँ उनको। हाँ ये देखो इतनी लंबी, ये आधी फोल्ड और देख लो, इतनी बने बड़ी जन्म पत्री में पता नहीं क्या है। तो इसको फोल्ड करते हैं, नहीं तो मेरे को फाइनली हम चलते हैं अब। तो इसमें हमें मतलब क्या करना है कि कौन से मंथ में कौन सी तारीख को दादी वो हुई है, ठीक है, इसमें ये पता करना। और अंकल लोग शायद दादी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन करेंगे, अगर पता चल जाएगा तो ये भी बढ़िया बात हुई। तो भाई ये हमारी पूरी पकौड़ी बन रही है, और नहीं नहीं पूरा नहीं निकाल रखा मैंने, खा रख नहीं है। तो गाइस आप बता दो कि आज क्या है। आज अर्जु का बेटा का नाम करना है, 11 दिन का हो चुका है। बुआ पार्टी करा रही है, पूजा चल रही है अभी तक। आज गुड़िया की पार्टी है, गुड़िया जब तक गुड़िया को पार्टी नामकरण होता पार्टी दे देता तब तक गुड़िया चले जाएगी यहाँ से। फिर आज स्पेशल पार्टी गुड़िया की रखी है। आज मेरे लिए सब कुछ ही पार्टी है। गुड़िया जितना खा सकेगी आज मैं जितना खा सकती हूँ, पूरी पकौड़ी छोला सब कुछ। और रोहित दी किधर गई? रोहित दी मेहमान जा रखे हैं। हाँ मैंने देखे वो, चाय पानी पिला रही हूँ। नहीं दी थे, दी नहीं थी उधर। मैंने चाय के लिए बोला था चाय बना। हाँ चाय बना दी होगी बट दी नहीं थी उधर। ओम अद्य नाम का संस्कार अंतर्गत आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि भौतिक पिता को समन पूर्वक सहाय हम राजा द्वारि वा ऐश्वर्य वृद्धतम ग्रह के राज के दशक ग्रह निवृत्त तम सूत्र स्पर्श प्राणों के प्राप्त तम धर्मार्थ काम मोक्ष तत्व प्राप्त उपादेश परमेश्वर देवता प्रीत्यर्थम
परमेश्वर देवता प्रीत्यर्थम परमेश्वर देवता प्रीत्यर्थम अस्य बालकस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्या प्रदेशम दीर्घाय प्राप्तम च पितृ देवता संतुष्टर्थम च पितृ देवता आशीर्वाद प्राप्तम च पितृ उष्माणां च इदम् आमन्नम् कौंडिल्य भूतोत्पन्नाय ब्राह्मणाय तुभ्यम् अहम् संप्रददे ना वो बता देती हूँ कि आज क्या स्पेशल डे है। आज बुआ का मतलब नाती हुआ है, यानी अच्छू भैया के बेटे हुए हैं, यानी कि मेरे अंकल के बहन, मेरे अंकल की बहन है, तो मैं उनको बुआ बोलती हूँ। बुआ के जो लड़के हैं उनका लड़का हो रखा है, यानी अच्छू भैया का लड़का हो रखा है, तो मैं भी बुआ बन गई हूँ। तो आज उसका नामकरण है, ठीक है। ये मतलब 11 दिन का हो गया, तो आज नामकरण रखा है। तो ये बड़े धूमधाम से नहीं मना रहे, क्योंकि आज इसके बाद पूछ का महीना लग जाता बल, तो ऐसा कुछ सीन है मतलब। तो एक मंथ बाद करवाएंगे पार्टी वगैरह, जो भी करवाएंगे वो सबको खिलाएंगे। तो आज सिर्फ नामकरण रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा। तो देखते हैं उसका नाम किस पे आता है। और मैं उसके लिए कपड़े लेने गई थी, क्योंकि मैं तब तक यहाँ नहीं हूँ और मैं चली जाऊँगी यहाँ से, तो इसलिए मैं उसको कुछ कपड़े लाए, कुछ तो क्या एक जोड़ी कपड़े लाए मैं उसके लिए, ठीक है। तो बस छोटा सा बेबी बड़ी कुछ बड़ी में आज हूँ मैं छोटो यूँ एक दो बजे साल हम काले मतन प्यारे बाबा राय बोले सब ठीक है ना बड़े नहीं मनी जो हाँ चलता हूँ जब भी इसका नाम किससे आया है? किससे आया है? किस अक्षर से आया है? ओ उत्कर्ष विषय है घर में, वो बोले दादी का प्यार। सितंबर 15 तारीख का बात है। दादी इधर देखो, असूल ले सही ले, दादी इधर देखो, 2045 कार्तिक देखो, 2045 हां तो बेहतर गोरा है, बेहतर है। तो वो कितने टेंशन है, ग्रहण तो मेरे जगह गए भाई का वहां से पूरा दे कार्तिक 18-19 अक्टूबर लगा लो इसमें है, और 1945 में इसके लिए कपड़ा, ठीक है। थैंक यू, बाद में बड़ा होकर बोलेगा मेरे को थैंक यू। कर पापा नामकरण हुआ नहीं कि पहले ठूसने लगे नाम रे, एक मिनट बाद आज ही नाम रखा ना उत्कर्ष। उसे तो था, उसी से नाम से नाम रख दो फिर। आज ये मैं भी रख लो बुआ से, ये बुआ जी बुआ वैसे लगाए देते पंडित, लड़का भी मिल जाए नीचे में, लड़का लड़का भी ये देखो खोल के देखो कितने पैसे हैं। मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, यहाँ पे पूरी दाल बन रखी है, तो वो ही खा रही हूँ मैं भी फिलहाल। और इसके बाद मेरे को हमेशा लोगों के रूप में जाना, क्योंकि कल मेरा पेपर है, प्रैक्टिकल वगैरह की तैयारी करनी है, माई बाप वगैरह सब कुछ, इंटर्न का भी और ये इंटरनल का भी, दोनों का साथ करवा रहे। ऐसे हैं चलने वाले, अब क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती ना। तो अब नामकरण वगैरह सब कुछ हो गया, खाना खाती हूँ फटाफट, फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप में। सुबह भी कर दो मारे ना, सुबह भी तपना भी शाम मारे, सुबह तक जाग कर तपना ही है ना। दादी भी करती, बुआ भी करती मालिश।
वही तो कर रहे हैं, मैं तो दिन में कभी कभार तो ऐसे नामकरण वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, खाना भी खा लिया। अब चलती हूँ रूम को, ठीक है। सामान ले लिया है अपना, किताब वगैरह, प्रैक्टिकल की कॉपी वगैरह, तो हमेशा लोगों के रूम पे चलती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं गाइस। फाइनली मैं हमेशा लोगों के रूम पर पहुँच चुके हूँ, तो ऊपर छत में बैठ चुके हैं, तो मैं अभी छत में ही चलती हूँ एंड देन उसके बाद पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे। तुम चटाई वगैरह कुछ नहीं ला रहे? करते हैं तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, ठीक है। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। और खुश नहीं, खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए लास्ट तक, थैंक यू।